Hello everyone. So today we will study or we will discuss the mechanical properties of material that belongs to unit 1 materials of subject basic mechanical engineering having subject code BT203. तो आज हम देखेंगे कि जो material हमने पढ़ा है उसमें जो mechanical properties है उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी mechanical properties इसमें important होती है. ओके तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि व्हाट आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जब हम किसी मटेरियल में कोई लोड या कोई फोर्स लगाते हैं उसके बाद वो मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल. ठीक है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शोज द मटेरियल बिहेवियर व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड एंड स्ट्रेस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. अगेन ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हमको मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं उनके बारे में अगर हमको नॉलेज होगा तो हम प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा. अपॉन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन हम मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं. किसी भी चीज के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है ये अगर हमको पता होगी और हमको ये भी पता होगा कि मटेरियल हमारा उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा कि नहीं या कौन सा मटेरियल उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो उस बेसिस में हम प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक. तो ये जो अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिजाइन इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बताती है कि किस कंपोनेंट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल बेहतर होगा एट द लो कॉस्ट एंड एट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस. ठीक. तो बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है. हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से. तो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ये बताती है कि अगर हम किसी भी मटेरियल में कोई लोड लगा रहे हैं तो वो मटेरियल उस लोड को किस तरह से रेजिस्ट कर, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. किसी भी मटेरियल में हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं या कोई भी लोड लगा रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, वो किस तरह से उसको रेजिस्ट कर रहा है. अब स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी टू विदस्टैंड द अप्लाइड लोड. अब हम लोड लगा रहे हैं तो मटेरियल किस तरह से वो लोड को रेजिस्ट कर रहा है बिना टूटे या बिना परमानेंट डिफॉर्म हुए. देखिए मटेरियल का फेलियर क्या है? मटेरियल का फेलियर ये नहीं है कि वो तुरंत टूट जाए. अगर हमने किसी मटेरियल में लोड लगाया और उसमें डिफॉर्मेशन आ गया जो कि हमको चाहिए नहीं, ठीक, तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आ गया उसमें कि हमने लोड लगाया उसका शेप या साइज चेंज हुआ और वो वैसा ही रह गया, तो दैट इज ऑल्सो अ फेलियर. तो हम किसी मटेरियल में लोड लगा रहे हैं तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी कि वो जो लगाया हुआ लोड है वो उसको किस तरह से रेजिस्ट कर रहा है ताकि वो एक तो फेल ना हो या फिर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ना आए. ठीक. जितना ज्यादा मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा वो मटेरियल रेजिस्ट करेगा हमारे द्वारा अप्लाई किए गए लोड को. अब ये जो स्ट्रेंथ होती है ये 5 टाइप्स की होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, टॉर्शनल स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्ट्रेंथ. अब ये स्ट्रेंथ का नाम पड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड. हम किस तरह से उस मटेरियल में लोड लगा रहे हैं और वो मटेरियल किस तरह से रेजिस्टेंस दे रहा है उस रेजिस्टेंस के हिसाब से इसका नाम पड़ा है. तो जब अगर हम कोई एक मटेरियल है जिसमें हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं मतलब उसको पकड़ के हम खींच रहे हैं तो ऐसे लोड को बोलते हैं हम टेंसाइल लोड. खींच रहे हैं मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसके एक्सिस के अलोंग अगर हम उसको खींच रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे टेंसाइल लोड. और कोई मटेरियल अगर इस टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर रहा है, वो टूट नहीं रहा है या वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में रेजिस्ट कर रहा है, हम बोलेंगे उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ है. ओके. सिमिलरली दूसरा स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. किसी भी मटेरियल को दबाना, अलोंग द एक्सिस अगर हम किसी मटेरियल को दबा रहे हैं तो वो मटेरियल किस तरह से रेजिस्टेंस दे रहा है, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल. तीसरा स्ट्रेंथ होता है शियर स्ट्रेंथ. शियर स्ट्रेंथ मतलब हम किसी मटेरियल में लोड लगा रहे हैं टेंजेंशियल लोड अराउंड अबाउट द एक्सिस नहीं. अगर हम एक्सिस के अबाउट लोड लगाएंगे तो या तो वो कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा. अगर हम उसको खींच रहे हैं तो टेंसाइल हो गया, अगर हम उसको दबा रहे हैं तो कंप्रेसिव हो गया. लेकिन वही अगर हम उसको टेंजेंशियल लोड लगा रहे हैं वहां पे हम परपेंडिकुलर या आप बोलिए कि अपार्ट फ्रॉम एक्सिस हम कहीं और लोड लगा रहे हैं तो वो मटेरियल क्या होगा, इट विल ट्राई टू डिफॉर्म. इट विल ट्राई टू डिफॉर्म, उसकी लेंथ कम या ज्यादा नहीं होगी, उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन
ठीक। तो ऐसा जो लोड है उसको हम बोलते हैं शियर लोड, और मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है शियर लोड पे, तो हम उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ, की कितनी मटेरियल वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा। तीसरा और चौथा होता है टॉर्शनल स्ट्रेंथ। टॉर्शनल स्ट्रेंथ मतलब हम टॉर्शनल लोड लगा रहे हैं, इसको पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक, ऐसे घुमा रहे हैं, तो मटेरियल किस तरह से रेजिस्टेंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंसल स्ट्रेंथ, टॉर्शनल स्ट्रेंथ। लास्ट होता है बेंडिंग स्ट्रेंथ, हम किसी मटेरियल को बेंड कर रहे हैं, और बेंड होने में वो कितना रेजिस्टेंस मटेरियल दे रहा है, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेंथ। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मटेरियल अगर किसी का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी चार स्ट्रेंथ भी अच्छे हैं। किसी मटेरियल का कोई स्ट्रेंथ अच्छा होता है, किसी मटेरियल का कोई स्ट्रेंथ अच्छा होता है, मतलब कोई मटेरियल टेंसाइल लोड में ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, कोई मटेरियल कंप्रेसिव लोड में, तो कोई हो सकता है कि शियर, बेंडिंग या टॉर्शनल स्ट्रेंथ देगा। और हर एक मटेरियल की ये पांचों स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। एक मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होगी, उसी मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग होगी, बेंडिंग, टॉर्शनल और शियर स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। तो दिस इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज स्टिफनेस। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलास्टिक बॉडी टू डिफ्लेक्ट और डिफॉर्मेशन बाय एन अप्लाइड फोर्स। इलास्टिक बॉडी मतलब क्या होता है, जिसमें हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ डायमेंशन में चेंज आएगा, ठीक। तो अगर कोई बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं और वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है कि वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी, ऐसे को हम बोलते हैं स्टिफनेस, कि कितना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक। हमने किसी बॉडी पे लोड लगाया, एक फोर्स लगाया, अब वो बॉडी का फॉर एग्जाम्पल मान लो उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है, और हमने उसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक। अब मैंने जब उसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसकी लेंथ जो हुई वो चेंज हो गई 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर, मतलब कितनी लेंथ बढ़ गई उसकी, 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ी, जब मैंने उसमें 100 न्यूटन का लोड या फोर्स लगाया, उसको पकड़ के 100 न्यूटन से खींचा, तो उसकी स्टिफनेस क्या होगी, स्टिफनेस इज फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन। फोर्स लगाने पे कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं स्टिफनेस, ठीक है। तो 100 न्यूटन और उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर, तो स्टिफनेस क्या हो गया, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर उसकी स्टिफनेस हो गई, ठीक है। तो अगेन स्टिफनेस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एन इलास्टिक बॉडी टू डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन व्हेन वी अप्लाई अ एक्सटर्नल लोड। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए भी हो सकता है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए भी हो सकता है। हम किसी भी बॉडी पे लोड लगा रहे हैं, वो कितना रेजिस्टेंस कर रहा है अपने शेप या साइज को चेंज करने में, दैट इज द स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। जो जो बॉडी जितनी ज्यादा स्टिफ होगी, उसके डिफॉर्मेशन में हमको ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एक रबर बैंड है, तो रबर बैंड को हमको कम फोर्स लगाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसकी स्टिफनेस कम होगी। वहीं अगर हम माइल्ड स्टील लेंगे या कोई ऐसा मटेरियल लेंगे जिसकी जिसकी स्टिफनेस ज्यादा है, तो अगर हम उसको खींचेंगे तो उतना ही खींचने में हमको लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा स्टिफ हो गया। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, ये है कि हम किसी मटेरियल में लोड लगाए, ठीक, वो डिफॉर्म हुआ, उसका शेप चेंज हुआ, उसका साइज चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही हमने उसमें लोड हटा लिया तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द अप्लाइड लोड। जब हम उसमें लोड लगाए तो डिफॉर्म तो हुआ, लेकिन जैसे ही हमने उसमें से लोड हटा लिया वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, ठीक। ये मटेरियल किसके लिए काम आता है, जनरली स्प्रिंग बनाने के काम में आता है, जिसमें हमको बार बार लोड लगाना है और साथ ही साथ वो डिफॉर्म भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही लोड हटाया वो वापस से अपने ओरिजिनल जगह में आ गया, लोड लगाया तो फिर से वो डिफॉर्म हो गया। इसका जस्ट अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। यहाँ पे क्या होता है कि हमने लोड लगाया, मटेरियल डिफॉर्म हुआ, और जब हमने लोड हटाया वो मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आ पाया। ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, जिसमें मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हुआ, थोड़े समय के लिए डिफॉर्म हुआ, लोड हटाया वापस से अपनी जगह में आ गया। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है, हमने लोड लगाया, मटेरियल डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म होने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज से चेंज हुआ, और जब हमने लोड हटाया तो वो वापस से अपने एग्जैक्टली ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आया, तो जो डिफॉर्मेशन है वो उसमें कुछ रह गए, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। और ये क्या है कि ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी
hardness. Hardness, again, it is the resistance offered by a material, but not against applied load, but against indentation, scratching, abrasion और cutting. ये चार तरीके से अगर हम मटेरियल में कुछ कर रहे हैं और वो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. इंडेंटेशन मतलब आके टकराया, दैट इज इंडेंटेशन. स्क्रैचिंग मतलब स्क्रैचिंग, हमने स्क्रैच किया. एब्रेशन मतलब वियर, हमने खुदरा उसको. और कटिंग मतलब हमने काटा. तो ये चार चीज में अगर हमको कोई मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे हार्डनेस. तो जितने ज्यादा ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन चार चीजों के लिए, उतना हार्ड वो मटेरियल होगा. अगेन इसका एक और डेफिनेशन है, इट ऑल्सो मीन्स दैट एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कट अनदर मटेरियल. मतलब जो ज्यादा हार्ड मटेरियल रहेगा वो सॉफ्ट मटेरियल को कट कर देगा. जैसे कि हम घर में किचन में यूज करते हैं चाकू, उससे हम सब्जियां काट लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो चाकू यूज कर रहे हैं जिस मटेरियल का बना है, दैट इज हार्डर देन द वेजिटेबल, तो हम उसको कट कर सकते हैं. जो हार्डर मटेरियल होता है उसमें वियर कम होता है. वियर मतलब रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सर्फेस. तो उसका वो उसमें वियर कम होता है, मतलब उसमें मटेरियल लॉस वैसे मटेरियल में कम होता है जो ज्यादा हार्ड होता है. ऐसा मटेरियल किस काम आता है? ऐसा मटेरियल आता है कटिंग टूल बनाने के काम, क्योंकि जो ज्यादा हार्ड रहेगा वो कम हार्ड वाले मटेरियल को कट कर देगा. ठीक, तो वो काटने के काम आता है. जनरली जो मटेरियल इसमें यूज होता है वो डायमंड होता है, क्योंकि इट इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल. हाई स्पीड स्टील यूज होता है, क्योंकि ये सबका जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल को काटते जाएगा और खुद वियर इसमें होगा नहीं. ठीक, तो दिस इज द हार्डनेस. अब हार्डनेस मेजर कैसे करते हैं, उसके तीन मेथड है जिसको हम इस यूनिट में ही आगे वीडियोस में देखेंगे, दैट इज ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस और विकर्स हार्डनेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मेलिबिलिटी. मेलिबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी कि जब हम उसमें कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो वो उस कंप्रेसिव लोड पे मतलब टूटे ना, उसमें फेलियर ना. जब हम उसमें कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो वो फेल ना हो, बस क्या हो, वो डिफॉर्म होते जाए कंटिन्यूसली. तो हमने लोड लगाया, ठीक, वो बॉडी डिफॉर्म हुए. डिफॉर्म हुए मतलब उसका थिकनेस कम हुआ. थिकनेस कम हुआ मतलब वॉल्यूम तो होता ही है बॉडी का, तो वो बड़ा हुआ, सरकमफेरेंशियली बड़ा हुआ और वो फेल नहीं हो रहे. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घर में जो हम रोटी बनाते हैं, एक बॉल के फॉर्म में हम आटे को लेते हैं और उसमें हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और वो कंप्रेसिव लोड लगाते जाते हैं तो क्या हो रहा है, वो फेल नहीं हो रही है, उसका जो थिकनेस है वो कम होते जा रही है और वो बढ़ते जा रही है. तो कंप्रेसिव लोड इज द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू विदस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव लोड विदाउट फेलियर. मतलब वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते रहेगा लेकिन उसमें फेलियर नहीं आएगा. तो जितना ज्यादा जितनी ज्यादा समय तक वो कंप्रेसिव लोड बियर कर सकेगा विदाउट फेलियर और डिफॉर्म होते रहेगा, उतना ज्यादा वो मटेरियल मेलिएबल है. ठीक, तो ये प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, हम मेटल्स को एक शीट्स के फॉर्म में बना सकते हैं, थिन शीट. जितना ज्यादा वो मेलिएबल होगा उतनी पतली चादर या शीट हम उससे बना सकेंगे. तो हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स, जो सोने के गहने होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, उसमें गोल्ड कितने पतले पतले पोर्शन में लगा होता है. क्यों? क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मटेरियल ऑफ ऑल द मेटल, तो उसकी मेलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको हम पतले पतले उसमें बना सकते हैं, शीट्स के फॉर्म में बना सकते हैं. डक्टिलिटी क्या होती है? अगेन इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कि अगर हम किसी मटेरियल में टेंसाइल लोड लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगा लेकिन फेल नहीं होगा. मेलिबिलिटी में क्या था? कंप्रेसिव लोड. डक्टिलिटी में क्या है? टेंसाइल लोड. हमने इसमें टेंसाइल लोड लगाया, वो मटेरियल डिफॉर्म नहीं हुआ, वो लंबा होते जा रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा वो वायर का फॉर्म ले लेगा. ठीक, तो डक्टिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ड्रॉन इन टू वायर्स विदाउट फेलियर. अब वायर के फॉर्म में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेंसाइल लोड लगाना पड़ेगा. तो ऐसा मटेरियल जो टेंसाइल लोड लगाने के बाद डिफॉर्म हो रहा है लेकिन फेल नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जा रहा है, तो ऐसे मटेरियल, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उसकी डक्टिलिटी. अब जितना ज्यादा वो मटेरियल क्या होगा, टेंसाइल लोड ले सकेगा विदाउट फेलियर एंड इट विल कंटिन्यू डिफॉर्म, तो उसकी डक्टिलिटी ज्यादा होगी. जितना ज्यादा मटेरियल की डक्टिलिटी होगी उतना कम डायमीटर का हम वायर उससे बना सकते हैं. आपने देखा होगा कॉपर, कॉपर के कितने पतले पतले वायर होते हैं क्योंकि उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है. अगेन जिस तरह से मेलिबिलिटी गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है, उसी तरह से डक्टिलिटी भी गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है. आपने अगेन ज्वेलरी में देखा होगा कितने पतले पतले वायर्स होते हैं. ठीक,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि मेलेबिलिटी जिसकी ज्यादा है उसकी डक्टिलिटी ज्यादा है। गोल्ड में ऐसा हो रहा है लेकिन हर एक मेटल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि लीड, जो लीड होती है उसको हम थिन शीट्स में बना सकते हैं लेकिन उससे वायर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है। जब हम उसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो ज्यादा डिफॉर्म नहीं होता और वो टूट जाता है, लेकिन जब हम उसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफॉर्म होता है, थिन शीट्स के फॉर्म में चला जाता है और वो उसमें फेलियर नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल नेस। अब ब्रिटल नेस क्या है? डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट। ठीक, डक्टिलिटी में क्या देखा हमने कि हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता गया, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता गया उसमें और वो ब्रेक या फेल नहीं हुआ। ब्रिटलनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमने लोड लगाया और लोड लगाने के बाद वो डिफॉर्म नहीं हुआ और वो डायरेक्टली ब्रेक हो गया, उसमें कोई भी इलॉन्गेशन नहीं आया या मिनिमम इलॉन्गेशन आया। तो जितना कम इलॉन्गेशन आएगा ब्रेक होने से पहले, कोई भी मटेरियल ब्रेक होने से पहले कुछ हो सकता है इलॉन्गेशन हो, लेकिन जितना कम इलॉन्गेशन होगा उतना ज्यादा वो ब्रिटल मटेरियल है। ठीक, तो वो डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट हो गया कि हमने लोड लगाया, लोड बहुत ज्यादा लगाया लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही डिफॉर्मेशन होने का चांस आया वो उससे पहले ही टूट गया। तो जितना कम डिफॉर्मेशन मटेरियल में होगा ब्रेक होने से पहले ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, उतना ज्यादा वो ब्रिटल मटेरियल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टफनेस। टफनेस क्या होता है कि ये बताता है कि कोई भी मटेरियल जब हम उसको इम्पैक्ट लोडिंग देते हैं तो वो उस लोड को लेने के बाद ब्रेक होने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दैट इज टफनेस ऑफ द मटेरियल। तो टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच अ मटेरियल एब्जॉर्ब बिफोर इट ब्रेक्स या एक्चुअल फेलियर टेक्स प्लेस व्हेन एन इम्पैक्ट लोड इज अप्लाइड। एंड व्हाट इज नाउ इम्पैक्ट लोड? इम्पैक्ट लोड मतलब इस तरीके का लोड, आके सडन आने वाला लोड को हम इम्पैक्ट लोड बोलते हैं, जो धीरे धीरे लगता है, इसको पकड़ के हम खींच रहे, कंटिन्यू खींच रहे, दिस इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और जब आके वो टकराता है तो हम उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। तो कोई भी मटेरियल जब उसमें इम्पैक्ट लोड लगता है तो उस इम्पैक्ट लोड को वो कितना झेल सकता है, उस इम्पैक्ट लोड की कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम बोलते हैं उसकी टफनेस। जितनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना टफ मटेरियल होगा। तो जनरली टफनेस कहाँ यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कि भाई जब गाड़ी में एक्सीडेंट हो, इम्पैक्ट लोड के कारण एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हो तो वो कार कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सक रही है ब्रेक होने से या फेल होने से पहले। ठीक, तो ये बताता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है बिफोर ब्रेकिंग व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन इम्पैक्ट लोड। और इसको मेजर करने के दो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, चारपी और आइसोड इम्पैक्ट टेस्ट, जिसको हम डिटेल में आने वाले वीडियोज में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या है? टफनेस से मिलता जुलता है, ये भी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ही है, लेकिन कब तक? जब तक बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट में है। हमने देखा था इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक मतलब बॉडी में लोड लगाया, लोड हटाया तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ गया। लेकिन अगर मैं एक लिमिट के बाद उस बॉडी में, इलास्टिक बॉडी में लोड लगाऊंगा तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आ पाएगी। तो किसी भी बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट होती है जिसके जो डिसाइड करता है कि अगर मैं उस बॉडी पे इतना लोड लगाऊंगा तो वो डिफॉर्म होगा और जब मैं लोड हटाऊंगा तो वो वापस से अपनी जगह में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उस लोड से ज्यादा लोड लगा दिया उस बॉडी में तो क्या होगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अगर मैं किसी बॉडी में लोड लगा रहा हूँ उसकी इलास्टिक लिमिट तक और उस दौरान वो बॉडी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा रेजिलियंस। भले ही मैं टेंसाइल लोड लगाऊं या कंप्रेसिव लोड लगाऊं, इन बोथ केसेस द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। और जैसे ही मैंने लोड हटाया क्या होगा, वो पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर जो हुई थी बॉडी में वो वापस चले जाएगी। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस मतलब कोई भी बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट तक जितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करके रख सकती है, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रूफ रेजिलियंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्रिप। क्रिप क्या होती है? इट इज टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब किसी बॉडी में मैंने लोड लगाया तो वो डिफॉर्म नहीं हुई, लेकिन अगर वो मैं लोड को कंटिन्यू लगा के रख दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ उसमें डिफॉर्मेशन आए। तो ये क्रिप क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट द बॉडी इज प्रोग्रेसिवली डिफॉर्म
एट अ वेरी स्लो रेट, बहुत ही धीरे धीरे टाइम के साथ वो डिफॉर्म होगा अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट लोड, जब हम उसमें कॉन्स्टेंट लोड लगा के रखेंगे। अब देखिए घर में आपने देखा होगा, हमने दो जगह से रस्सी बांध दी, कपड़ा सुखाने के लिए हमने रस्सी बांध दी इधर इधर, तो टाइट करके बांध दी। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वीक और अ मंथ, क्या होता है उसमें सैगिंग आ जाती है, वो रस्सी झूल जाती है। रस्सी की लेंथ होती थी, हमने बांधा था कड़क करके, तो क्या हुआ उसमें टाइम के साथ, जब हम उसमें बार बार कपड़े सुखा रहे हैं, टाइम के साथ उसमें धीरे 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 क्या आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है। डिफॉर्मेशन आने के कारण क्या हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है और इसलिए वो झूल गई। तो क्रीप कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, जो कि एक कांस्टेंट लोड में तुरंत हमको इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ कुछ समय बाद हमको उस लोड का इफेक्ट दिखेगा, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फटीग। फटीग क्या है, इट इज द हाइएस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड व्हेन इट इज अंडरगोइंग फॉर अ लोड इन फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट ब्रेकिंग। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, हमने देखा कि एक कोई एक मटेरियल है जिसमें हमने लोड लगाना स्टार्ट किया, उसको पकड़ के खींचना स्टार्ट किया। अब मैंने उसको खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1000 न्यूटन में वो टूट गया, ठीक, तो वो तो उसकी हो गई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब फैटिक स्ट्रेंथ क्या होगी कि अगर वो मैं मटेरियल में मैं 100 न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ, ठीक, तो वो नहीं टूटेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो 1000 न्यूटन में टूट रहा है। लेकिन अगर मैं 100 न्यूटन का लोड लगाया, निकाल लिया, फिर लगाया, फिर हटा लिया, फिर लगाया, फिर हटा लिया, फिर लगाया, फिर हटा लिया, तो ऐसा कंटिन्यू कर रहा हूं इनफिनाइट नंबर ऑफ सेकंड, तब भी वो ब्रेक नहीं हो रहा। अब मैंने वो लोड को 100 से 200 न्यूटन किया, तो वो इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल में जब मैं लोड लगा रहा हूँ, बार बार लगा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके वो ब्रेक हो गया। तो फैटिग स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है, फैटिग वो प्रॉपर्टी है कि अगर मैं उसमें कंटिन्यूअसली लोड लगाता जाऊं फॉर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल, इनफिनाइट बार, तब भी वो जिस लोड में ब्रेक नहीं हो रहा है, दैट लोड इज द फैटिग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फटीग प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। समझ में आया होगा आई होप, कि अगर मैंने किसी बॉडी में लोड लगाया हटाया, लोड लगाया हटाया, मतलब साइक्लिक लोड, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक लोड, तो उस साइक्लिक लोडिंग के बाद भी वो जितना लोड वो झेल सकता है विदाउट ब्रेकिंग आफ्टर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल, मतलब इनफिनाइट तो इनफिनाइट है, मतलब वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं उसमें लोड लगाऊंगा, उतना लोड लगाऊंगा, तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ऐसी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं फटीग स्ट्रेंथ, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फटीग, कि समय के साथ वो ब्रेक नहीं होगा भले हम उसमें बार 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 वही लोड लगाते जाए, तो दैट इज द फटीग स्ट्रेंथ। तो डेफिनेशन एक बार और देखते हैं, द हाइएस्ट स्ट्रेस और लोड दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक किए हम उसमें कितना लोड लगा सकते हैं, हम उसमें कितना लोड लगा सकते हैं बिना ब्रेक किए फॉर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल। हो सकता है 10 साइकिल में ना टूटे, लेकिन 11वीं बार लोड लगाया तो टूट जाए, तो दैट इज नॉट द फैटिग स्ट्रेंथ। फैटिग स्ट्रेंथ मतलब हम इनफिनाइट बार उसमें से लोड लगा सकते हैं और वो नहीं टूटेगा, दैट इज द फैटिग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मशीनेबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज हाउ इजली अ मटेरियल कैन बी मशीन यूजिंग अ कटिंग टूल। किसी भी मटेरियल का हमको कोई चीज ऑब्जेक्ट बनाना है, या कोई मटेरियल से, रॉ मटेरियल से हमको कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बताना है, तो हमको उसको शेप देना पड़ेगा, ठीक, तो हो सकता है हमको उसको कट करना पड़े। तो मशीनेबिलिटी उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जो बताती है कि कितनी आसानी से वो मटेरियल मशीन्ड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल, मतलब वो कितनी आसानी से कट सकता है। अब देखिए जो मटेरियल जितनी आसानी से कट सकेगा, उसको बनाने में उतना कम एनर्जी लगेगा, वो आसानी से बन जाएगा। तो और साथ ही साथ क्या होगा कि उस मटेरियल को कट करने में जो हमारा टूल है उसको नुकसान भी कम होगा। अगर कोई मटेरियल है जिसको काटना बहुत मुश्किल है, तो क्या होगा उसको काटने के लिए हमको एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और साथ साथ में हमारा जो टूल है जिससे हम काट रहे हैं वो भी जल्दी खराब हो। जैसे कि अगर हम एक आरी से, एक हैक्सॉ से अगर एक लकड़ी को काटेंगे, तो वो हैक्सॉ की लाइफ ज्यादा रहेगी, वहीं अगर हम एक आयरन बार को काटेंगे तो उसकी लाइफ, हैक्सॉ की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वुड जो है वो, उसकी मशीनेबिलिटी, कटिंग टूल से कटने की क्षमता जल्दी है, आसान है, ज्यादा कट जाएगा, और वही जो आयरन है या आयरन का कोई फेरस मटेरियल है वो धीरे से कटेगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो ये बताता है कि वो मटेरियल से हम कितनी आसानी से कोई चीज बना सकते हैं, और जिसकी मशीनेबिलिटी बहुत खराब है उसको, उससे हम कोई चीज नहीं बना सकते, क्योंकि जब वो कटेगा ही नहीं तो फिर हम उससे कोई चीज बनाएंगे कैसे, ठीक।
नेक्स्ट इज फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी मतलब कि वो प्रॉपर्टी मटेरियल की कितनी आसानी से वो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए विदाउट बीइंग डैमेज। ठीक, तो जब हम किसी मटेरियल को पीट पीट के शेप चेंज करते हैं, हम उसमें उसको फॉर्मिंग कर रहे हैं, उसकी उसको फोर्स लगा लगा के उसका शेप चेंज कर रहे हैं, और वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो डैमेज नहीं हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेबिलिटी। आप देखे होंगे जो लोहार लोहार रहते हैं, वो मटेरियल को कैसे बनाते हैं, उसको पीटते हैं और उसको डिफॉर्म करते हैं, उसका शेप चेंज करते हैं। ठीक, क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, वो ब्रेक नहीं हो रहा है इसलिए। और वैसे मटेरियल मतलब उस मटेरियल की फॉर्मेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक, तो उसमें परमानेंट शेप और साइज में चेंज आ रहा है विदाउट गेटिंग डिफॉर्म, तो ऐसा मटेरियल मतलब वो ज्यादा उसकी फॉर्मेबिलिटी है, और हम उसको कंप्रेसिव लोड लगा के या कोई भी लोड लगा के उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, और उसका शेप और साइज चेंज करके डिजायर्ड शेप और साइज का उसको बना सकते हैं, और मटेरियल फेल नहीं होगा। तो ऐसा मटेरियल जितनी आसानी से, जितना ज्यादा हम उसमें ये चीज कर सकते हैं, उतना ज्यादा उसकी फॉर्मेबिलिटी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी मतलब कितनी आसानी से भी कोई भी मटेरियल, दो मटेरियल को हम वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर सके, दैट इज कॉल्ड वेल्डेबिलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जगह वेल्डिंग का काम होता है कोई भी दो चीज में परमानेंट ज्वाइंट के, जो स्क्रू है, जो नट है, वो सब टेम्परेरी ज्वाइंट है। लेकिन अगर किसी चीज को हमको परमानेंट ज्वाइंट करना है, तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला मेथड कौन सा है, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग जितना, अगर कोई मटेरियल में वेल्डिंग होने की क्षमता ही नहीं है, जैसे वुड, तो हम उसको वेल्ड नहीं कर सकते, तो हमको उसको ज्वाइन करना पड़ता है विद अदर मेथड, कि हम उसको टेम्परेरी ज्वाइन करना पड़ता है, उसमें परमानेंट ज्वाइंट होना मुश्किल होता है, हमको उसको खिला ठोक के या स्क्रू और नट से हमको उसको टेम्परेरी ज्वाइन करना पड़ता है। तो वेल्डिंग क्या देता है, वेल्डिंग गिव्स परमानेंट ज्वाइंट, और जितनी आसानी से कोई मटेरियल वेल्ड हो सकता है, उतना ज्यादा उसकी वेल्डेबिलिटी होती है। ठीक, तो दीज आर द 15 प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।